नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं कुकरौंधा के फायदों के बारे में। जी हाँ, कुकरौंधा पूरे भारत में नमी वाले प्रदेशों में प्रधानता से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। कुकरौंधा को कुकरमुत्ता या कुकरंदी भी कहते हैं। मराठी में इसको कुकरबंदा और बंगाल में इसको कुकुर शोंका बोलते हैं या कुकसीमा। इसके पौधे गली स्थानों और पुराने खंडहरों में आसानी से मिल जाते हैं। इसका पौधा 2 से 3 हाथ लंबा, पत्ते इसके तंबाकू के समान होते हैं और गहरे रंग के होते हैं। शुरू शुरू में पत्ते मूली के पत्तों के जैसे दिखने में होते हैं, आपको लगेगा कि मूली ही है। पत्तों को मलने से बहुत ही बुरी तरह से गंध निकलती है, तीव्र गंध बदबू निकलती है। पौधे पर लाल रंग की एक चोटी सी होती है। यह कड़वा, तीखा, पचने में मधुर, शीतल, ज्वर का नाश करने वाला, पारे के विकार और खून के दोष में 2 तोले रस पीने और शरीर पर मलने से बड़ा लाभ होता है। बहुत ही गुणकारी ये पौधा है। आइए जानते हैं आज हम सभी इसके फायदों के बारे में। बहुत ही गुणकारी औषधि है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो इसका इस्तेमाल अवश्य करेंगे। कुकरौंधा के पत्तों को पीस कर अर्श के मसों में अगर आप लगाएंगे तो अर्श में लाभ होगा, यानी कि आपको खूनी तथा मस्से वाली बवासीर में कुकरौंधा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बवासीर को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। 2 ग्राम कुकरौंधा के पत्ते में बराबर मात्रा में काली मिर्च और गेंदा के पत्ते मिला लीजिए, पीस कर पानी में घोल कर पिलाइए, इससे अर्श में लाभ होता है। खूनी बवासीर में कुकरौंधा के पत्तों का रस 5 मिलीलीटर लेकर के उसमें काली मिर्च का चूर्ण 500 मिलीग्राम यानी कि आधा ग्राम मिलाकर सेवन करना है। इससे खूनी बवासीर में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। 5 से 10 मिलीग्राम कुकरौंधा के पत्तों का रस मिश्री में मिलाकर के पिलाएंगे तो भी रक्तार्श में लाभ होगा, यानी कि आपके खूनी बवासीर में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ये त्वचा रोगों में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। त्वचा पर किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर इसके नए पत्तों से प्राप्त रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाना है आपको और संक्रमित स्थान पर इसको लगाना है अच्छे से। पहले संक्रमित स्थान को साफ कर लीजिए, इसके बाद लगाइए, आपको अवश्य लाभ होगा। जख्म होने पर कुकरौंधा के पत्तों का रस लगाने से जख्म जल्दी भर जाता है। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाइए, इससे रक्त आना रुक जाएगा और घाव जल्दी भर जाएगा। नाड़ी व्रण पर इसके पत्तों का रस लगाने से नाड़ी व्रण जल्दी ठीक हो जाता है। फोड़े फुंसी होने पर कुकरौंधा के पत्तों का रस में श्वेत खदीर को पीस कर लगाने से फोड़े तथा फुंसियों का शमन होता है। कुष्ठ रोगों में कुकरौंधा के पत्तों को बराबर मात्रा में मूली के बीज में मिला करके पीस कर लगाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। यकृत, लीवर और प्लीहा रोगों में कुकरौंधा बहुत ही गुणकारी होता है। जी हाँ, कुकरौंधा के पांचांग यानी कि संपूर्ण पौधा, फल और फूल सहित को पीसकर 250 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर प्रातःकाल सानी एक एक गोली को घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा के रस के साथ पीना है आपको। इससे यकृत और प्लीहा के रोगों में काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। खांसी और कफ निकालने में कुकरौंधा के प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। खांसी में कुकरौंधा की जड़ मिश्री के साथ मुंह में रखना है, इससे कंठ में जमा हुआ कफ निकल जाएगा और मुंह का सूखना मिट जाएगा। बवासीर में कुकरौंधा का प्रयोग मैं आप सभी को बता चुका हूं, लेकिन कुछ और प्रयोग जान लीजिए। 1 तोले रस में 6 माशे मिश्री मिला करके पीने से खूनी बवासीर दूर हो जाता है। सुजाक में कुकरौंधा का लाभ जानिए। 2 तोले कुकरौंधा के रस में जरा सी मिश्री मिला करके आपको पीना है, इससे सुजाक नष्ट हो जाता है। इसके अलावा किसी को अगर पलित रोग हो गया है तो कुकरौंधा के 1 भाग पत्तों का रस में 4 भाग पानी मिला करके क्वांथ बनाइए और सर को धो दीजिए, इससे पलित रोग में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। किसी को अगर नेत्रों का यानी कि आँखों की बीमारी है तो कुकरौंधा के पत्तों के रस में फिटकरी को घिस कर अंजन कीजिए, इससे नेत्र जला, नेत्र फूली इत्यादि रोग दूर हो जाते हैं। पेट में अगर कीड़े हैं तो पेट में कीड़े होने पर इसके पत्तों का रस 5 मिलीलीटर रोजाना पीजिए, इससे पेट के कीड़े मर जाएंगे। इसके अलावा विसूचिका रोग में कुकरौंधा बहुत ही लाभकारी होता है। 1 से 2 ग्राम कुकरौंधा मूल चूर्ण में काली मिर्च चूर्ण मिला करके सेवन करने से विसूचिका में लाभ होता है। अतिसार में कुकरौंधे का प्रयोग, जी हाँ, 5 से 10 मिलीलीटर कुकरौंधा के पत्तों का रस में 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खाने से अतिसार में लाभ होता है। इसके अलावा गृहिणी में कुकरौंधा, गृहिणी होने पर सुबह शाम इसके पत्तों का चूर्ण 2 ग्राम छाछ तक के साथ सेवन करने से फायदा होता है। स्तन शोथ होने पर कुकरौंधा के प्रयोग जान लीजिए। स्तन शोथ होने पर कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर उसमें जौ का आटा मिलाकर गुनगुना करके लगाइए, इससे स्तन शोथ सही होता है।
संधिवात में कुकरौंधा। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर लेप करने से संधिवात का शमन हो जाता है। ज्वर में कुकरौंधे का प्रयोग जान लीजिए। कुकरौंधा के पत्तों के स्वरस की दो दो बूंदों को कान में डालने से ठंड दे करके आने वाला ज्वर सही हो जाता है। बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर रहे हों तो 5 मिलीलीटर कुकरौंधा के पत्तों का रस 50 मिलीग्राम कपूर मिला करके पिलाइए। इससे बिस्तर में पेशाब करने की बच्चों की आदत छूट जाएगी। साधारण सा दिखने वाला कुकरौंधा बवासीर से लेकर के लीवर तक के रोगों में कारगर सिद्ध होता है। आप सभी को जैसा कि मैंने बताया, इसके प्रयोग करने की विधि बताई, तरीका बताया कि किस प्रकार से आप इसका प्रयोग करके बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हमारा प्रयास यही होता है इस चैनल के माध्यम से कि आपको आसपास के खाने पीने की चीज़ों और औषधियों के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि आप सभी किसी भी प्रकार की बीमारी से बच सकें आसानी से। पहले से ही जानते रहें, जानकारी होगी तो आप बीमारियों से पहले से ही बचने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई भी घातक फ्यूचर में बीमारी न हो और आप स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना है। ये थी आज की जानकारी। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।